हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ यूट्यूब से रिलेटेड एक ऐसी बात जो कि आप लोग अगर एक यूट्यूबर हो तो आप लोगों को ये चीज़ जरूर से ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, जो कि मैं अपने चैनल पर देख रहा हूँ, उसी से मैं सीखा हूँ और आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। दोस्तों, सारे यूट्यूबर्स एक चीज़ बताते हैं कि आप क्या करो यूट्यूब पर जिससे कि आप यूट्यूब पर ग्रो करोगे, ठीक है, सभी यही बताते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिनको आपको अपने चैनल पे नहीं करना है। अगर आप उनको करते हो और आप ग्रो कर रहे हो तो एक दिन आप ढह जाओगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो मुझे क्या रिलाइज हुआ अपने चैनल से, क्या मैंने सीखा, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है या फिर कोई आपको मेरी जो है एडवाइस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग पहली चीज़ की बात करें, क्या आप लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। कई सारे यूट्यूबर्स एक चीज़ बताते हैं कि आप लोग को जो है टैग लगाने चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, टैग लगाने चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार व्यूज़ के लिए हम लोग गलत टैग का यूज कर देते हैं, कुछ ऐसे टैग का यूज कर देते हैं जो कि हमारे वीडियो से रिलेटेड भी नहीं है, ठीक है, हम उनको भी वहाँ पर डाल देते हैं। तो उससे जो है आपके चैनल को जो है बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, फ्यूचर में आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। ये 100% आप लिख के ले लीजिए, अगर आप गलत टैग का यूज करते हो अपने चैनल पर तो 101% आपका जो है चैनल डीमोनेटाइज होगा। इसीलिए जो भी वीडियो है आपका जिससे भी रिलेटेड है आप वही टैग यूज कीजिए। जैसे कि मेरा ये वीडियो है यूट्यूब से रिलेटेड, तो मैं यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स इस तरीके के टैग डालूंगा, ठीक है, कि आप यूट्यूब पे क्या करें जिससे आप ग्रो कर सकते हैं, इस तरीके के मैं टैग यहाँ पर डालूंगा। तो इस तरीके से अगर आप टैग डालोगे तो आपका चैनल ठीक रहेगा, कभी भी डीमोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलत टैग यूज करोगे तो आपका चैनल डेफिनेटली 101% जो है आपका डीमोनेटाइज होगा, लिख के ले लीजिएगा आप। सेकेंड थिंग, दोस्तों कई सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि भाई एक टाइमिंग होता है जिस टाइमिंग पे आप अगर वीडियो को अपलोड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा वायरल होगा। अभी मैं देख रहा था कोई यूट्यूबर था जो बता रहे थे कि मतलब सुबह के 7 बजे अपलोड करो, शाम को 7 बजे अपलोड करो, उससे जो वायरल होगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यूट्यूब ने कोई टाइम नहीं डिसाइड किया कि भाई इतने टाइम अगर आप वीडियो डालोगे तभी आपका जो है यूट्यूब वीडियो वायरल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइमिंग से क्या होता है कि आप एक काम कीजिए, आप बड़े जितने भी यूट्यूबर जैसे कि लाइक अमित बढ़ाना ये सब, ये तो दोपहर में भी अपलोड कर देते हैं, आप कहोगे इनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, टाइमिंग से कोई मतलब नहीं होता है। बंदा जब फ्री होगा तभी वो आपकी वीडियो देखेगा, ठीक है। आप कभी आप रात में डाल दो नहीं देखेगा, दिन में डाल दो, अगर वो दिन में सोता है तो दिन में नहीं देखेगा। तो बात वही है, टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, आप केवल जो है आप वीडियो बनाते रहिए, बस टाइमिंग से कोई मतलब नहीं होता। आप कभी भी अपना वीडियो अपलोड कीजिए, अगर वो चलने वाला होगा, अगर उसमें दम होगा तो डेफिनेटली वो चलेगा, ठीक है। अगर उसमें दम ही नहीं है तो भाई नहीं चलेगा, आप किसी भी टाइम अपलोड करके देख लो। तो यहाँ पे जो टाइमिंग वाला मिथ होता है ना कई सारे लोगों को कि भाई सुबह अपलोड कर देंगे तो दिन भर चलता रहेगा और वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं। शाम को कई लोग सोचते हैं कि भाई शाम को सब लोग फ्री रहते हैं, अपलोड कर देंगे तो शाम को लोग देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो टाइम वाली जो मिथ है उसको आप लोग हटा दीजिए, अपना वीडियो बनाते रहिए। दोस्तों, थर्ड थिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे चैनल पे हुआ है ऐसा, उसको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। उससे पहले चलते हैं फोर्थ थिंग पे, क्या यूट्यूब पे क्वालिटी मेंटेन करती है? नहीं दोस्तों, क्वालिटी मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ केवल आपकी रेगुलरिटी। अगर आप वीडियो रेगुलर बना रहे हो तो आप वायरल हो जाओगे, क्वालिटी मैं नहीं मानता। इसलिए क्योंकि आप मेरे चले जाओ वीडियो प्ले लिस्ट पर जाके देख लो जाके मैंने क्या क्या क्वालिटी दी है, कई गुना अच्छी में जो अपने से हो सकती थी उनसे भी ज़्यादा अच्छी मैंने एडिटिंग की है, क्वालिटी में वीडियो 4K तक भी डाला है। लेकिन क्या हुआ, व्यूज ना के बराबर आ रहे हैं। अब आप लोग देखिए, क्वालिटी अगर मेंटेन करती तो उन पे भी व्यूज आने चाहिए, ठीक है, उन पे व्यूज नहीं आ रहे। अगर यही काम मैं रेगुलर करता तो शायद व्यूज आ सकते थे। तो भाई, और आप अगर यूट्यूब पर देखो जाके तो कई सारे ऐसे वीडियो जिनमें बिल्कुल भी दम नहीं, लेकिन उन पर मिलियंस व्यूज हैं। तो क्वालिटी मेंटेन नहीं करती, मेंटेन करता है आपका रेगुलर। अगर आप रेगुलर हो तो आपके वीडियोज वायरल हो जाएंगे, लेकिन क्वालिटी, हाँ क्वालिटी ये भी नहीं है कि आप जो है आप यहाँ 4K के ज़माने में आप 3GP वाली वीडियो डाल लो तो नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, 140 ये सब नहीं चलने वाला, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वालिटी उतनी मैटर नहीं करती जितना हम लोग सोच लेते हैं कि भाई एकदम प्रो लेवल की एडिटिंग करेंगे और तभी हमारा वीडियो वायरल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
क्वालिटी रखिए, लेकिन उतना भी नहीं प्रो लेवल की आप रख दो, ठीक। बात यहाँ पे ये है कि आप अगर रेगुलर हो तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। मैंने कई सारे ऐसे चैनल देखे हैं जिनमें क्वालिटी में ज़्यादा दम नहीं है लेकिन वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्योंकि वो रेगुलर हैं। और आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, मैंने अच्छी अच्छी क्वालिटी पर एडिटिंग की है लेकिन वीडियोज नहीं चल रहे हैं। अब ऐसा क्यों है ये आप लोग जानिए, और आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन है, चलिए अब मैं उस पर लेकर चलता हूँ आप लोगों को। दोस्तों जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने एक सीरीज चलाई थी RMC कॉल रिकॉर्डिंग पे, काफ़ी ज़्यादा मेरे व्यूज वायरल हुए थे और वो एकदम सीरीज उठ गई थी। लेकिन क्या हुआ ना कि बीच में एक ऐसा टाइम आया जिसमें YouTube कई सारे वीडियोज को डिलीट कर रहा था जो कि प्राइवेसी के खिलाफ था, तो मैंने उन वीडियोज को खुद से डिलीट कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, वो मेरे वीडियोज वायरल थे और मैंने उनको खुद डिलीट किया, उस वजह से मेरा चैनल बिल्कुल डाउन हो गया, ठीक है। मतलब उसके बाद से एकदम क्या बोलते हैं ना कि एकदम न्यू डगमगा गई, व्यूज नहीं आ रहे हैं अब। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आप पहले से ही सोच लीजिए कि अगर आप ये वीडियोज बना रहे हो इनसे फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो मत बनाओ, क्योंकि अगर वो वीडियोज वायरल हो गए तो बाद में भाई आप उनको अगर डिलीट कर रहे हो या यूट्यूब डिलीट कर रहे हैं तो आपके चैनल को बहुत ही ज़्यादा हार्म होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। इससे पहले ही आप सतर्क रहो, आप ऐसा सोच के चलो कि आपको कौन से वीडियोज बनाने, कौन से वीडियो चलेंगे, अगर उनको अगर बनाते हो तो फ्यूचर में कोई दिक्कत होती है या नहीं होती है, तो ये सोच के पहले से ही ऐसे वीडियोज क्रिएट कीजिए। मैंने अभी एक वीडियो डाला भी था बहुत पहले कि मैंने डिलीट किए थे जो अपने कुछ वीडियोज, आप देख सकते हो उन पर काफ़ी अच्छे व्यूज थे, मैंने उन वीडियोज को डिलीट कर दिया, उसकी वजह से दिक्कत हो गई। तो जो भी आपके वायरल वीडियोज हैं तो उनको कभी डिलीट मत कीजिएगा, पहले से सोच के एक प्लान करके बनाइए कि जिससे फ्यूचर में उन्हें डिलीट ना करना पड़े। तो दोस्तों ये कुछ चार चीज़ें थी जो मैंने अपने चैनल पे किया है, वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया। आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हो, और अगर इनसे आपको कोई फ़ायदा मिले तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोज को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।